डॉक्टर सरबजीत कौर तथास्तु चैरिटेबल स्कूल की डायरेक्टर। ये हर बार मैं बोलती हूँ, एक छोटी सी कोशिश जो सबने मिलके की है, बिकॉज कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा मिशन है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। तो एवरी टाइम मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ जुड़ो, बिकॉज अकेले कोई बंदा काम नहीं कुछ भी कर सकता। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, जो बच्चे मंदिर गुरुद्वारों के बाहर भीख मांगते हैं, वहाँ हम उनको भीख ना देके उनके ऊपर सिर्फ एक एक मिनट लगाएं कि अगर हम उनको किसी भी स्कूल में, जो स्कूल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फ्री एजुकेशन होती है, लेकिन वहाँ तक बच्चे ही पहुँच ही नहीं पाते, तो हम अपनी किसी भी गवर्नमेंट को या किसी को भी उसका जिम्मेदार ना ठहरा के हम जो खुद लोग मंदिर में जाते हैं वहाँ जाएं, बच्चों को उनको अप्रिशिएट करें कि स्टडी इम्पॉर्टेंट है। ये छोटा सा काम अगर हम सब लोग करने लग जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में, छोटे छोटे स्कूलों में ये बच्चे चले जाएंगे। और जैसे नेहा जी ने बोला अभी कि मोस्टली जो बच्चों को हम लड्डू देते हैं, एक सिंपल सा मेरा सबसे सवाल होता है कि जब मैं बोलती हूँ जितने भी मंदिर के बाहर अगर हम डॉग्स देखते हैं तो उनको सबको कोई ना कोई बीमारी लगी होती है, तो वो जस्ट एक मिठाई से होती है, ये हमें सबको पता है, पर फिर भी हम लोग एक लाइन में बच्चों को लगा के ट्यूसडे सैटरडे अपने ग्रह उतारने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में खतरा पैदा कर रहे हैं। तो हमारी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को कोई मंदिर गुरुद्वारा साहब सब हम जाएं, लेकिन प्लीज़ इन बच्चों को मिठाइयाँ रोज़ ना दें। कोशिश करें कि जैसे हम भगवान के अंदर जाके 100-200 रुपए चढ़ाते हैं, तो हम इन बच्चों के लिए बुक्स पेंसिल चेज करें और इनको, बच्चों को अप्रिशिएट करें कि वो स्कूल में पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।